13 question. How many have tried? Raise hand. How many of you have tried question number 13? Raise hand. Try भी नहीं किया. मैंने ये homework दिया था, I think. खुद try करना. नहीं था. चलो. 13th है. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. तो ये हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने एक बॉल वर्टिकल या थ्रोडी विद अ वेलोसिटी 49, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी माइनस मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है. कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगी, ठीक है. और कुछ नहीं दिया हुआ, सी नथिंग एल्स इज गिवन हियर. सो see what we can have. If we can imagine super jacket ball stop होगी फिर वापस आएगी, पहले रुकेगी फिर वापस आएगी. That means that the highest point you will always take v. ये बताया था ना, highest point पे final velocity zero लेंगे. और हाँ, और acceleration for upward motion we will take डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, अपवर्ड के लिए नेगेटिव, ठीक है. तो यहाँ से अब हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी हाइट पे जाएगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो U इज गिवन, दैट मींस V इज आल्सो गिवन, एक्सेलरेशन वी आर हैविंग, वी आर टू फाइंड हाइट. यस, तो कौन सी इक्वेशन है इसमें सब आते हैं, विच इक्वेशन, कौन इक्वेशन. वो फर्स्ट में तो टाइम होता है ना, अभी तो हमने डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना. तो थर्ड इक्वेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 x बिकम u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 v h. a को v और h को h लेते हैं ना, ठीक है. तो वैल्यू अब ये नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सिंपली अप्लाई थर्ड इक्वेशन. अब ये आपका जीरो है, u है 49, how much is it? 120.5 meter, that is the height. माइनस
तो देन x चाहिए तो या माइक्रोन है ऊपर चलेगा डिनोमिनेटर में देन इट इज सॉल्व. सो आंसर इज 122.5 मीटर. तो ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट? यस. एनी डाउट? सेकंड पार्ट है हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल कम बैक टू थ्रोअर्स हैंड. आपने जहां जहां से थ्रो किया था वहां पहले ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी तो वही हाइट ट्वाइस कवर करेगी. एक बार हाइट दो बार कवर करेगी. तो हम पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लें बाय सिमेट्री नीचे आने का भी टाइम उतना ही है तो हम डबल कर देंगे. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टाइम फॉर वन पार्ट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो टू द मैक्सिमम. तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा दें. अब आपको टाइम भी चाहिए डेटा इज द सेम. सो नाउ यूज फर्स्ट इक्वेशन v equal to u plus 80 फाइंड टाइम फ्रॉम फाइंड आउट टाइम. उसका हम डबल कर देंगे दैट टाइम विल बी टेकन बाय हाउ टू कैच द बॉल. आइए सेकंड पार्ट. नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ 13 क्वेश्चन. आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल विल कम बैक टू थ्रोअर हैंड. दे मीन टू से दिस. तो पहले जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही नीचे आने के लिए. तो पहले हमें एक साइड का टाइम निकाल लेते हैं उसको डबल. सो फाइंड आउट दिस टाइम फर्स्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट u 49 a minus 9.8 t. ऊपर चला गया 98 का. ठीक है ये जीरो ऊपर चला गया 490 हो गया. ठीक है नाउ 5 सेकंड time is 5 seconds. Negative 49 time can never be negative. अगर negative आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ की आपने. ये देखो ये step था ना. अब आप क्या करो कि minus 9.8 को इधर ले आओ. तब हो जाएगा ना. उधर लेके आए थे और उधर 9.8 plus हो गया. 48 वो जिधर मर्जी लिखो लेफ्ट साइड राइट साइड वो आपकी मर्जी है. आप अपने वे से सॉल्व करो. टाइम अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है. टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है सो टाइम इज 5 सेकंड्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक बैक टू रिटर्न टू आवर हैंड इनटू 5 प्लस 5 10 सेकंड. तो बी पार्ट का आंसर होगा 10 सेकंड. तो आप लिखोगे कि 5 सेकंड इट विल टेक टू कम बैक आल्सो सो टोटल टाइम टेकन इज 5 प्लस 5 10 सेकंड. टाइम टेकन इज 5 प्लस 5 10 सेकंड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चे अटेंडेंस लिखिए रोल नंबर 16 28 41 45. चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ दैट इज पेज 143. ओपन पेज 143. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ प्रॉपरली लेट अस स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. यू कैन डायरेक्टली डू ऑन योर कॉपी. Right. Exercise question number 1. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? We had done these kinds of questions in the beginning. We had written Newton's formula and we had put these kinds of things. So radius jab distance half ho jayega kitna hoga force? R ko r by 2 put karoge usko square karoge. ठीक है ना. तो हाउ मच विल बी द न्यू फोर्स. नाउ आप सॉल्व करके बताओ. आर बाय टू का स्क्वायर होगा ना. आर स्क्वायर बाय फोर. फोर ऊपर आ जाएगा तो फोर टाइम फोर्स विल बी का फोर टाइम ऊपर आएगा माइनस टू. तो
फर्स्ट क्वेश्चन है देखो ओरिजिनल फोर्स है इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर ठीक है अब न्यू डिस्टेंस जो है दैट इज हाफ ऑफ रेडियस तो आर इक्वल टू आर बाय टू तो न्यू फोर्स डिपेंड्स अपॉन न्यू डिस्टेंस अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे आर डैश को आर बाय टू ये फोर ऊपर आ जाएगा एंड व्हाट इज द जी एम वन एंड टू ओवर आर स्क्वायर दैट इज एफ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज दैट न्यू फोर्स अ न्यू फोर्स इज फोर टाइम्स इट इंक्रीजेस फोर टाइम्स New force increases four times. This is the answer. Got it? Any doubt? Any doubt in this question? We had done these types of questions earlier. Going to share the exercise once again. Question number two. Gravitational force acts on all the objects in proportion to their masses. Yes, we know. They are proportional to product of masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? So, a heavy object faster क्यों नहीं fall करते? कहने का मतलब ये है कि acceleration due to gravity जो है, वो उनके mass पे depend क्यों नहीं करती? तो ये तो वही Galileo Galilei का experiment है ना? जिसमें उसने कहा था कि all the objects they fall with same acceleration due to gravity. So he allowed a coin and a feather to fall. From the tower, from the top of a tower, and when he created vacuum, both they fell at the ground at the same time. एक ही time पे वो fall कर रहे थे, showing that acceleration due to gravity heavier, lighter सभी की same होती है. मैंने आपको example दिया था ना, dog, cat, and elephant, they are allowed to fall from certain height, which one will reach the ground earlier. सारे same time पे पहुँचेंगे, क्योंकि acceleration due to gravity क्यों डिफरेंट होती है में रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन की वजह से अदरवाइज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट वेदर लाइटर वेदर हैवियर ठीक है तो लेट मी शो यू अ वीडियो वेयर दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्मड बाय अ पर्सन ही क्रिएटेड अ बिग चैम्बर एंड वैक्यूम ही क्रिएटेड इनसाइड इट देन ही अलाउड अ बॉल एंड अ फेदर उसने एक बॉल और एक फेदर को फॉल करवाया तो वो देखो कि कैसे वो सेम टाइम पे गिरते हैं पहले उसने विदाउट वैक्यूम किया फिर विद वैक्यूम किया इस एक्सपेरिमेंट हाँ वही आप देखना अभी पता लग जाएगा दिस हिस्ट्री And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easy to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So ये अभी vacuum chamber के बाहर है। पहले without vacuum air में experiment करेंगे ball और feather. So this thing can take force present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was similar. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. And this time, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance.
So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Heavy object does not fall faster than lighter object. ये तो question ही था. Because all the objects fall down with the same acceleration due to gravity. All the objects fall downwards या down with the same g, with the same acceleration due to gravity. With the same acceleration due to gravity, which depends on mass of planet, which depends on mass of the planet, not of object, which depends on. हाँ जितना उसका मास ज्यादा होगा, heavy जितना ज्यादा होगा. देखो जुपिटर का मास ज्यादा है कि रेडियस ज्यादा है. अगर रेडियस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल भी, तो हमें पूरी दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, मास और रेडियस दोनों देखना. विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Not of the object. Okay. Question number 3. What is the magnitude of? हाँ जी. नेलिका जी. Acceleration due to gravity, which depends on mass of the planet, which depends on mass of the planet, not of the object. मतलब does not depend on mass of the object. It depends on mass of planet, not of object. लिख लिया आप सबने? Question number 3. What is gravitational force between Earth and 1 kg object on its surface? Mass of Earth and radius of Earth is given. अब आपको करना क्या है? Gravitational force निकालना है Earth और 1 kg object के बीच में. Formula कौन सा है? यही formula use. ठीक है? So radius is also given and mass is also given. So let's put in the value. This is question number 3. Mass of planet, mass of earth, mass of that object, radius of earth square. हमने जैसे वो जब small g derive किया था तो हमें देख लिया था कि अगर कोई object surface पे है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में प्लैनेट के रेडियस के. ठीक है, लाइक ये अर्थ है, ये 1 kg ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा इक्वल टू रेडियस ऑफ. दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब गिवन किया गया है, तो कर दो इसमें जी की वैल्यू. मास ऑफ अर्थ, mass of that object 1 kg, radius of earth, हाँ तो मीटर में चाहिए रेडियस, अदरवाइज किलोमीटर में होता तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता. तो हियर ऑलरेडी इट इज गिवन इन मीटर, वी कैन यूज इट करेंट. अब उसका सॉल्व वही करना है. देखो आपने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली थी ना आपके लिए, ये देखो वही कैलकुलेशन है. तो आपका आंसर आएगा 9.8, बट इन दिस केस यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स, तो यूनिट होगा न्यूटन. 6.7 कर लो, 6.7 कर लो एक बार. न्यूमेरिकल में 6.7 कर लो तो इजी रहेगा. मैंने आपको करके दिखाया था ना, तो आपका आंसर 10 आ रहा है. My approximate बाद में लिखते हैं, but this 9.8 number is very important in gravity. तो अगर आपका आंसर 9.8 आ रहा है तो उसको वही लिखिए, राउंड ऑफ.
ये वही कैलकुलेशन है स्मॉल विंडो ठीक है देन हाँ जी ये भी कौन सा 9.8 है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 Earth and Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the Moon attracts the Earth and why? वो कह रहे हैं कि Earth और Moon एक दूसरे को attract कर रहे हैं। तो क्या Earth greater force attract करती है कि same force attract करते हैं दोनों एक दूसरे? Same. Same force they are exerting on each other. Producta masses आना ना? Producta masses आएगा ना? तो वो तो moon का earth का ही mass आना है in all the cases in both the cases. तो earth attracts moon with the same force. ठीक है? So the force exerted on earth by the moon is same as force exerted on moon by the earth. तो वंदना ने पूछा है कि सेम है ग्रेटर है कि स्मॉलर है तो आप बोलोगे कि सेम है इट इज सेम आप लिखो इट इज द सेम बाकी स्टेटमेंट बुक में है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द मून इज सेम एज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द मून इज सेम एज द फोर्स विद विच Moon attracts the Earth. It is same as the force with which Moon attracts the Earth. Earth Moon का इंटरफेस कर दो बस. हाँ, by same force. The Moon attracts the Earth. हाँ, same force. मतलब समझ गए ना आप अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. Question number 5. If Moon attracts the Earth. Why does the earth not move towards the moon? वो कह रहे कि अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही हमें दिखती क्यों नहीं हाँ तो क्योंकि अर्थ उससे हैवी है मून से इसलिए मून उसके अराउंड रिवॉल्व करता है अर्थ रिवॉल्व नहीं करती है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिखिए बिकॉज अर्थ इज हैवियर देन मून Earth is heavier than moon, so that's why what happens? Earth is heavier than moon, so that's why moon revolves around the earth. That's why moon revolves around the earth. Earth does not revolve around the moon. हाँ इसमें आप ये लिखोगे, because earth is heavier than moon. Earth is heavier than moon. So that's why moon revolves around the earth. Earth does not revolve around the moon. Okay, let us see question number 6. ये आप खुद करके लाओगे वैसा ही क्वेश्चन है जैसा नंबर 1 था 6 है what happens to force between two objects a first part mass of one object is doubled क्या होगा बताओ एक ऑब्जेक्ट के मास पर डबल कर दिया एक का डबल किया यहाँ टू हुआ तो फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगा एक का मास डबल किया तो फोर्स भी आल्सो गेट डबल क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो टू आएगा आपका बाहर तो फोर्स भी आल्सो भी डबल फर्स्ट का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट फोर्स भी आल्सो भी डबल फॉर्मूला लिख के अपने आंसर लिख देना फॉर्मूला लिख दो कहीं नहीं डेरिवेशन नहीं करना फॉर्मूला लिखिए और फिर फर्स्ट पार्ट लिखिए अगर एक मास डबल किया तो फोर्स विल आल्सो गेट डबल सेकंड पार्ट आप बताओ सेकंड पार्ट में भी दो पार्ट्स हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल पहले बताओ डिस्टेंस जब डबल किया देन व्हाट विल हैपन आर को आपने टू आर किया व्हाट विल हैपन एफ1 को इसको ओपन करोगे फोर आर स्क्वायर हो जाएगा तो लिखिए अगर डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स विल बिकम 1/4 यू स्टैंड अप
If force is double, distance is double, then force will become 1/4. और अगर ट्रिपल किया डिस्टेंस को 1/9 हो जाएगा, ठीक है, देन फोर्स का 1/9। सेकंड पार्ट के दो पार्ट थे, इफ डिस्टेंस इज डबल व्हाट विल हैपन टू फोर्स, इट विल बिकम 1/4। अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया व्हाट विल बिकम, हाउ द फोर्स विल चेंज, इट विल बिकम 1/9, कम होगा इन बोथ द केसेस। थर्ड पार्ट है मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अब बताओ दोनों का मास डबल क्या, यहां पे भी 2 2 2 का 4 4 नहीं नहीं वो नहीं, डिस्टेंस का कुछ नहीं किया, सिर्फ मासेस का डबल किया, तो अब 2 आपका 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 का फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, किसको नहीं समझ में आया कोई भी पार्ट पूछ लो। 76th का, 6 का फोर्स है, अगर मास 1 का डबल किया तो फोर्स विल भी डबल। सेकंड में दो पार्ट है, अगर डिस्टेंस का डबल किया तो फोर्स विल बिकम 1/4, अगर डिस्टेंस पर ट्रिपल किया फोर्स विल बिकम 1/9। थर्ड पार्ट है बोथ द मास का डबल, फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स, व्हाट इज नाउ। चलो आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, डोंट राइट इट अगेन। सेवेंथ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाँ मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इट बाइंड्स अस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और क्या था, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और लास्ट था बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के 4 पॉइंट्स किए थे हमने। एट भी नहीं करना, एट भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एट है डेफिनेशन, एट है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, मतलब व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ अभी तक सिक्स तक करो,